आप जय हिंद मेरे तमाम भाइयों को इस वक्त जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, भाई जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए मैं पहली चीज़ बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ायदा आपको पूरा पहुँचे तो आपको थोड़ा सा संयम रख के आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, तभी आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है किस तरह से जो हमारे असील बर्ड्स हैं उनका पोटा रुक जाता है और काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, कभी कभार जानवर मर भी जाते हैं अगर सही ट्रीटमेंट ना हो। अगर आपने ये दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने कर लिए और अंत तक वीडियो देखी तो आपको आज के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए भाई बात करते हैं हम पहले मेडिसिन की, ये डिजी सेल के नाम से आती है। देखिए आप, मैं इसका फोटो लगा दूंगा वीडियो के अंदर ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। ये डिजी सेल के नाम से आती है और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है अगर जानवर का पोटा आपका रुक जाता है तो। आपको करना है क्या, इसका एक ढक्कन देख लीजिए आप, ज़्यादा बड़ा ढक्कन नहीं है, इसका एक ढक्कन सुबह शाम आपको जानवर को देना है और कोशिश करें जिस जानवर का पोटा भाई रुक गया है उसे उसके बाद कोई भी खाने को ना दिया जाए, ना ज़्यादा पानी पिलाया जाए, ना ज़्यादा उसको दाना दिया, दाना तो बिल्कुल ना दिया जाए अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर सही सलामत रहे। तो आपको करना है क्या, आपको मार्केट से लेके आना है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, मात्र 80 रुपये की है, जानवर की ज़िंदगी से शायद बहुत ही कम है। तो आप जाएँ तो डिजी सेल लेके आ जाएँ और जानवर को सुबह और शाम एक एक ढक्कन आपको देना है और इसका बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है भाई। मैंने इस्तेमाल किया, मेरे भाई लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों तक बहुत लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा है, तब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब सवाल ये होता है भाई जिन लोगों को ये नहीं मिलती अब उन्हें करना क्या है। देखिए सबसे आसान घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, ये देखिए आप, इसे खाने का सोडा कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं, ये मार्केट में पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके लेके आ जाएं, ये सस्ता भी रहता है। और कोशिश करें कि इसका ढक्कन जो है बंद कर दें, अभी वीडियो बनाने के लिए तो मैंने खोल के रखा हुआ है। आपको करना है क्या है, हल्का सा कुनकुना पानी ले लें, हल्का सा कुनकुना पानी ले लें और थोड़ी सी इसकी मात्रा, जैसे आधी चम्मच आपने ले ली, जैसे आप ध्यान से देखिए जैसे आपको दिख रहा है, तो आपको आधी चम्मच क्वांटिटी को इसको लेना है, आधी से थोड़ी सी कम, इतनी क्वांटिटी आपको रखना भाई, सिर्फ इतनी क्वांटिटी रखना, आप देख सकते हैं। और आपको इसको कुनकुने पानी के अंदर अच्छी तरह से मिला देना है, घोल देना है और इसके मिश्रण को, इसके घोल को आपको जानवर को सुबह शाम पिलाना है। सिरिंज की मदद से पिलाएं तो ज़्यादा बेटर है, आप चाहें तो स्पून चम्मच की मदद से पिला सकते हैं। तो भाई आप चाहते हैं कि आपके जानवर को पूरा फ़ायदा हो तो आप समझ लीजिए आपको करना है क्या। ये दवाइयाँ मैंने आपको देने का तरीका बता दिया, देखिए वीडियो लंबी होती है, लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई छोटा करें, तो इसलिए आपके लिए छोटी वीडियो बना रहे हैं। इसको देने के बाद आप ध्यान रखें 100% आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल तो मैंने बहुत पहले से ही करते आ रहा हूँ, मुझे कम से कम 12 साल हो गए सिर्फ खाने का सोडा से जानवर का पोटा खोल लेता हूँ मैं, और आजकल इसका इस्तेमाल करके देखा तो काफ़ी फ़ायदा मिला मुझे, काफ़ी फ़ायदा मेरे भाइयों को भी हुआ। तो आप चाहें दोनों में से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करके अपने जानवरों की जान बचा सकते हैं। ध्यान रखें जानवर को पोटा रुकने के बाद आपको दाने में ज़्यादा खड़ा नहीं देना, और आप कभी कभार क्या रहता है कि हम ऐसे खड़े दाना दे देते हैं, बाजरा तो गर्मी में बिल्कुल ना दें, कभी कभार क्या रहता है कि हम बाजरा खड़ा रख देते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखें मिक्स फीड के ऊपर जो मैंने बनाई है, अगर आप उसे देखेंगे तो मिक्स फीड को आपको लेना है, शाम को ले लें, रात को ले लें और थोड़ा पानी में भिगो के रख दें और दिन में पानी निकाल के जानवर को दें, आपकी ज़िंदगी में कभी भी जानवर का पोटा नहीं रुकेगा। तो भाई वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको